हेलो जी, गुड मॉर्निंग। डे 43 है स्टार्टेड और मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा लखनऊ बाहर घूमा जाए। कुछ जगह यहाँ पे फेमस जैसे छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा और लिख के हॉस्टल में मेंशनड भी है, पर ये है कि हर जगह मॉन्यूमेंटल एरिया में मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि बटर मेरे साथ है और डॉग्स अलाउड हैं कि नहीं पता नहीं। वहाँ दीदी बढ़िया एकदम खाना बना रही है, आलू के पराठे जो प्रज्ञा खा रही है सो, और मैं खा चुका हूँ तो ये बढ़िया है। देखो बटर एकदम तैयार हो जाती है खाना का नाम सुनते ही। फिलहाल जो है आ जाएंगे सिटी में उस तरफ, करीब 9-9.5 किलोमीटर दिखा रहे हैं, तो थोड़ा वॉक हो जाएगा। कल बटर जो है काफ़ी लेजी हो गई थी, इसका मन कर रहा था नीचे जाने का, मार्केट भी था तो इससे ज़्यादा घूम नहीं सकते थे, पर आज मार्केट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बेस्ट है कि आज जो है चला जाए और देखते हैं। मेन एम है कि जो जगह घूम सकते हैं उस जगह पे घूमेंगे, देखेंगे बटर अलाउड है अंदर की नहीं, और नहीं अलाउड है तो ऑफ़ कोर्स खाना एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि लखनऊ में आए हैं तो खाना तो एक्सप्लोर करना बनता है। नहीं तो निकलने से पहले मैंने सोचा कि जब मैं अपने गियर्स पहन के निकल रहा हूँ तो क्यों ना बटर को भी गियर्स पहनाए जाए। नहीं तो बटर को उसके गिफ्टेड जूफ बेल्ट से गियर्स पहना दिए और चलने का टाइम आ गया, चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं मार्केट देखते हैं। पहली जगह जहाँ जाना है उस जगह का नाम है मोरी दरवाज़ा, वो करीब 9-9.5 किलोमीटर है यहाँ से, और मुझे वहाँ पे जो हॉस्टल में लोग थे उन्होंने बताया कि सब कुछ जो है उसके मेन आसपास ही है, फूड मार्केट भी बाकी मॉन्यूमेंट्स भी, तो अभी वहाँ पे चल रहे हैं और करीब आधा घंटा एक घंटा लग जाएगा पहुँचने में, तब तक बटर अपना चल रही है आगे आगे वहाँ पर चलते रहते हैं। लग तो पूरा दिल ही आएगा, बटर अपना सही चल रही है, मेट्रो के नीचे से जा रहे हैं हम लोग। ट्रैफिक जो है इधर कम है, मतलब आज वैसे ही वीकेंड नहीं है तो ट्रैफिक जो है कम ही है। जिस दिन मैं आया था संडे था और इसी रास्ते से आए थे मैं बटर, तो बहुत भीड़ थी, चलने की मतलब जगह नहीं थी। अगर आपने ब्लॉग देखा हो पुराना तो चलते चलते तो जो है ऐसी फीलिंग आ रही है कि नोएडा दिल्ली में हूँ, पर खाने से मुझे लगता है कि पता चलेगा लखनऊ का क्या डिफरेंट वेरिएशन है। और लखनऊ बहुत फेमस है खाने के मामले में, पर फिलहाल रूमी दरवाज़ा करके वो जगह है जहाँ पे बटर में चल रहे हैं और देखते हैं। यहाँ से अभी करीब 5 किलोमीटर रह गया होगा, उसी के एरिया में बाकी सारी चीज़ें भी आएंगी। ये वो कट है जहाँ से अब राइट लेके मेरे को 3-3.5 किलोमीटर चलना है आगे, और मार्केट उसी साइड पे नहीं पड़ेंगे, सब कुछ पड़ा है इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा, सब इस साइड है। मुझे जितना पता है उस हिसाब से बटर को जो है मॉन्यूमेंट्स में अलाउड नहीं करेंगे क्योंकि कहीं भी डॉग्स अलाउड नहीं होते हैं, इवन दो दिल्ली में नहीं है या फिर कहीं भी किसी भी स्टेट में, तो देखते हैं। फिलहाल बट अगर नहीं हुआ तो ट्राई तो कर सकते हैं, बाकी है कि जाके सबसे पहले जो है खाना खाया जाएगा क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़, और कुछ ना कुछ खाते हैं फिर घूमते हैं फिर खाते हैं फिर घूमते हैं, और आज यही प्लान है। बटर तो घूमने लग गई है अपने बढ़िया एकदम, तो देखते हैं। बस ज़्यादा दूर नहीं है, 6.5 किलोमीटर में और बटर ऑलरेडी चल रही है, और वहाँ से हॉस्टल से दिखा रहा था 9.5 किलोमीटर, तो करीब 4-4.5 किलोमीटर रहेगी, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब अराउंड 40 मिनट और समथिंग, तो पहुंचते हैं एक बार। मार्केट एरिया चालू हो गया, अब यहाँ से अभी कौन सा मार्केट है ये तो पता नहीं, पर यहाँ से चालू हो गया। लखनऊ के मेन एरिया में आ गए हैं हज़रतगंज, जहाँ पे सारी चीज़ें हैं। अब मॉन्यूमेंट्स तो जा नहीं सकते हैं ऑफकोर्स बिकॉज बटर अलाउड नहीं है, तो मैं जाके क्या ही करूँगा, पर यह है कि खाना खा सकते हैं, इतना दूर आए हैं तो खाना तो खाना ही है। और एक जगह इसका नाम है रूमी दरवाज़ा, वहाँ पे जाने की एंट्री नहीं है, वो सड़क पे ही है, तो वहाँ चलते हैं। ओहो सामने ही है और काफ़ी सुंदर, मतलब रूमी दरवाज़ा तो आ गया है यार बोलते ही, और बटर पीछे पीछे आ रही है अपना, एकदम ट्रैफिक बहुत है उसकी वजह से आवाज़ नहीं आ रही होगी ढंग से, पर चलेगा फिलहाल, सिटी ब्लॉक ऐसी है। बाकी बहुत ही सुंदर लग रहा है, मतलब यार क्या बताऊँ, इसकी
हिस्ट्री क्या है, ये सब क्या पूछना पड़ेगा तो किसी से। ऊँट ऊँट खड़े हुए हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ये रूमी दरवाज़ा। आर्किटेक्चर मतलब बहुत अच्छा है, आर्किटेक्चर मतलब जो है काफ़ी सही है। दरवाज़ा मतलब गेट ही है, तो किसी चीज़ के लिए एंट्रेंस के लिए बनाया होगा। मेन वाइल कुत्ते आए हुए हैं बटर से मिलने, इधर ऑफकोर्स अब और भी क्यूट और डीवा लग रही हैं, बेल्ट पहन लिया, अपनी गियर्स पहन लिया। अभी जो है रिकन्स्ट्रक्ट भी हो रही है, पता नहीं है। फिलहाल इधर जो है ये टूरिस्टिक एरिया है, अब यहाँ से आधा दिल्ली ऐसा लग रहा है जैसे, मतलब मानो वहाँ पे इंडिया गेट वगैरह कुछ हो। पर एक लौता ऐसा आर्किटेक्चर है जहाँ पे मैं और बटर साथ में जा सकते हैं, बिकॉज और किसी मॉन्यूमेंट या किसी चीज़ पे बटर अलाउड नहीं है, तो ऑफकोर्स मैं भी नहीं जा सकता। पर काफ़ी सुंदर रूमी दरवाज़ा, रूमी दरवाज़ा इसका हिस्ट्री क्या है तो जाननी पड़ेगी, गूगल करनी पड़ेगी, यहाँ तो कोई गाइड है तो। पर आगे चलते हैं क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़, और बटर इधर उधर घूम रही है, सच्चा कुछ खा लेते हैं। मतलब मुझे लगता है रीज़न मेन ये होगा था कि आते हुए आर्मी या किसी भी चीज़ को जो देखा जाता है, बिकॉज वॉच टावर वगैरह है, सब कुछ है। ये देखो अब तो सिर्फ पासिंग गेट बन गया है। तो फिलहाल जो है ये है सीन रूमी दरवाज़े का, और भूख फ़िलहाल जो है बहुत तेज़ लग रही है। तो पीछे रूमी दरवाज़ा इसे बाय बोल देते हैं अभी, और देखते हैं कि यहाँ पे मैं फूड मार्केट के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि लखनऊ के खाने के बारे में बहुत सुना है। ये बैक साइड है रूमी दरवाज़ा की, इधर से रोड आ रही है पूरा, और सही स्टाइल में मिला हुआ है। मतलब बस आर्किटेक्चर का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, नहीं तो जयपुर जो है समवॉट सिमिलर है, पर आर्किटेक्चर जिस जो भी चीज़ का है वो सब अलग है काफ़ी। मतलब पर है मॉन्यूमेंट्स और आर्टिफैक्ट्स ऐसे ही। बटर मज़े कर रहे हैं, बटर को तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अरे क्या हिस्ट्री। तो मॉन्यूमेंट्स जो है उनमें काफ़ी फ़र्क है, बिकॉज उधर बनाए थे राजपूतों ने, बेसिकली इधर बनाए मुगल्स ने, तो आर्किटेक्चर का तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है सीन। पर सही है, अब मॉन्यूमेंट में तो घुस सकते हैं, खाने का देखते हैं। बैक साइड भी बहुत अच्छी है, मतलब खाने की मार्केट जो है पीछे है, तो मुझे दोबारा इस साइड जाना पड़ेगा। और पीछे भी कोई एक मॉन्यूमेंट है, पता नहीं यार, मतलब पर ऐसा है कि इतना टूरिस्टिक ट्रैवल जो है मैं करता नहीं हूँ, तो इसलिए मेरा आधा मन भी नहीं है पता करने का और क्या है। पर क्या कर सकते हैं, हम एक दो जो जगह थी वो मैंने दिखा दी आपको, उसका भी नाम मेरे को नहीं पता। ये आगे पीछे घूम रहा हूँ मैं रूमी दरवाजे के, इसका पता है। और खाने पे फोकस है फिलहाल, बटर तो जो है आगे आगे भर रही है वो देखो वहाँ पे अपने में। बढ़िया, बटर एकदम आगे बढ़ रही है। मेन सिटी सेंटर में आर्किटेक्चर तो काफ़ी सही है, पुराना पुराना है और वो सही, वो तो घंटा घर है, हर जगह पे घंटा घर होता है, वहाँ पे घंटा घर जो है वहाँ है। तो बेसिकली जहाँ से मैं आया हूँ वहीं पे था खाने का मार्केट, और मैं क्रॉस कर गया। अगर मेरा खाने में दिमाग पहले होता तो मिल जाता, पर कोई दिक्कत नहीं है, जाना भी घर वापस उस साइड है जहाँ पे रहना हूँ, तो वहाँ पे चलते हैं उस साइड पहले, अभी देखते हैं क्या सीन है, क्योंकि भूख जो है वो बढ़ती जा रही है धीरे 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 धीरे। और खा के आज जो है रिटायर हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं करना है। काफ़ी लोगों से पूछा मैंने, इधर रिक्शा वाले से पूछ लिया, एक पुलिस वाले सर उनसे पूछ लिया, बाकी लोकल से ही पूछ लिया, बट किसी को एज सच पता नहीं है कि कहाँ पर है मार्केट खाने का ढंग का फेमस। तो अब मेरे को जो भी मिलेगा मैं वो खा लूँगा, गूगल करने का भी मैं समय नहीं ले रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, खा के और चलते हैं, सिटी से नहीं हो पाएगा मेरा। मैं आपको बाकी अच्छे ब्लॉग दूँगा, पर लखनऊ तो नहीं हो पाएगा, बहुत मेजर सिटी है। यहाँ पे आया हूँ मैं फिलहाल प्रेम मिश्रा भंडार, छोले भटूरे खाने। इतनी तेज भूख लग रही थी कि पूछो मत। और पीछे मार्केट है खाने वाने का, इधर एक दो चीज़ें खाएंगे,
फिर घर। ओ छोले भटूरे बन रहे हैं, अभी छोले भटूरे खाते हैं। मैं तो खा रहा हूँ यार मस्त छोले भटूरे। अब बटर के लिए वहाँ बटर खड़ी है, उसके लस्सी मंगवाई है मैंने, लस्सी नहीं थी आज तक, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले छोले भटूरे खाते हैं। बटर के लिए लस्सी, क्योंकि छोले भटूरे तो बटर नहीं खा सकती है। छोले भटूरे खा लिए, बटर को लस्सी पिला दी, पर भूख जो है मेरे को और तेज़ लग रही थी। तो फूड वॉक करना तो मुश्किल है, पर जो मन में दिख रहा था मन क्या खाने का वही खा लेते हैं। तो फिलहाल वेज कबाब खा रहा हूँ मैं भैया के पास यहाँ पे ही। ये कौन सा बाज़ार है? ये चौक है, अरे चौक बोलते हैं, चौक पे बेसिकली पहले खाने छोले भटूरे, अब खाने हैं वेज कबाब। वेज कबाब रोल खाया मैंने, बहुत ही बढ़िया लगा। और भैया यहाँ पे थे, उन्होंने मेरे को बताया एक नई चीज़ है जिसको कहते हैं टमाटर कबाब रोल, ऐसा कुछ उनका अपना खुद का एक इन्वेंशन सा है। तो अभी वो बना रहे हैं टमाटर रोस्ट करके पीस के उसको कबाब के साथ। चौक मार्केट में है ये दुकान, इंटरेस्टिंग है। टमाटर जो है रोस्ट हुआ है तो उसकी वजह से फ्लेवर अलग आ रहा है काफ़ी से। खाना वाना खा लिया है और जो टमाटर वाला रोल था वो पैक करा लिया है, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ खाने को मिली। पर फिलहाल जा रहे घर, अब यहाँ से वापस जो हॉस्टल है हैशटैग वो है 8.5 किलोमीटर, 8.8 दिखा रहा है, तो करीब 1 घंटा लगेगा। और अब जाते हुए रिकॉर्ड करते हुए फिर फ़ायदा नहीं है, बटर चल रही है पीछे पीछे आराम से। ये देखो रुक गई को जाने वाले आ रही है, अभी डायरेक्ट चलते हैं वापस हॉस्टल और मैं अब आपसे मिलूँगा डायरेक्ट हॉस्टल में, क्योंकि बहुत भीड़ है। सिटी में जो है काफ़ी भीड़ है और आवाज़ तो सुन ही पा रहे हो आप, पर यह है कि अब वापस ही जाना है तो रास्ता सेम है। तो वो फ़िलहाल 7 बज चुके हैं, अभी हॉस्टल तो नहीं आया हूँ मैं आ गया हूँ दोबारा रिपेयरिंग सेंटर पे, बिकॉज लैपटॉप जो है रिपेयर हो चुका है, तो आते हुए रास्ता रिकॉर्ड नहीं है। पर 7 बज गए हैं, शाम हो चुकी है, और लैपटॉप रिपेयर जो सेंटर था वो पास में ही था यार, मतलब बहुत पास में। जिस हॉस्टल में मैं स्टे कर रहा हूँ वहाँ से 1 किलोमीटर है, तो मैंने कहा उठा के फिर जाते हैं रादर देन जा के फिर वापस आने से। तो अभी जाते हैं देखते हैं ठीक हुआ। लैपटॉप ले लिया है और वापस हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं, बस थोड़ी ही दूर है, 5 मिनट लगेगी। अब कल क्या करेंगे ये सोचेंगे कल उठ के, बट फिलहाल सोने जा रहे हैं क्योंकि ठंड थोड़ी बढ़ गई है। गुड नाइट गाइस, सी यू टुमारो, सब्सक्राइब करना मत भूलना।